कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, आरटीओ प्रशासन डीडी मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोरोना के जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए, जिससे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, इसलिए तो डायरेक्शन दिया है ना, हर 15 दिन का एक बार चेक करने का, तो लगाना ही पड़ेगा। हर सेंटर में जगह जगह पे कुछ किया, एक एक वार्ड में कहाँ कहाँ मोहल्ला का है, तो वैसे पुलिस विभाग और सब विभाग मुद्दे को लगा ही है, बट यार आपको लीड लेना पड़ेगा। तो 28 वैल्यू हमारे लगे थे, उसको कर्मचारी कभी चपेट में आए थे, हर कैसे उठाए व्यापार मंडल वाले सहयोग करेंगे, कल कुछ लाए व्यापार मंडल परसों गाने से तक पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ परसों आदमी को तरह काम कर नहीं पाया, नाराज होने लगा सारे कार्मिक परसों ने खुलवाया और तुरंत रखा रखा जाते हैं देखिए सारे विभाग को बुला करके एक मीटिंग लिए थे, खासतौर पे जो यहाँ का जनता का जागरूकता कराने के लिए सारी विभाग का जिम्मेदारी दिए थे, इसका पब्लिक एड्रेस सिस्टम हर जगह बजाने के लिए। खासतौर पे 3 मूल मंत्र हम बार बार कहते हैं, बिना मास्क पहनते हुए बाहर नहीं जाना है, 2 गज का दूरी है और हाथ बार बार धोना है। इसी चीज़ के हम दोहराए थे और सारे विभाग मिल करके इसी नारा का और आगे भी बढ़ाएंगे।